देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही एक दुखद घटना है जो आज सुबह 7 बजे हुई है। यही लोधा धाम में ही वो रहता था और अपने कुछ दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था और क्रिकेट खेलते खेलते अचानक वो कोलैप्स कर गया। सबसे ज़्यादा फिट हमारे पूरे यूनिट में वही था, बल्कि हेल्थ टिप्स वो हमें दिया करता था, हम उसको क्या देंगे। लेकिन अचानक ऐसा निधन, हम भाभी जी घर पर रह के लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये, क्योंकि वो बहुत चर्चित था लोगों के बीच में, खासकर टिल्लू टीका मलखान की जो जोड़ी थी उसमें वो एक पसंदीदा कलाकार था लोगों का, क्योंकि वो जो भाषा बोला करता था वो टिपिकल कनपुरिया भाषा थी जो वो बोलता था, अरी मोरी मैया ये वो जो है, और उसके जो इम्प्रोवाइजेशन करने की सेंस थी वो बड़ी कमाल की थी, तो जिससे वो एड ऑन करता था चीज़ों को अपनी तरफ से, सीन को और अच्छा करने के लिए। बस ये कहूँगी कि मैंने मेरा बेस्ट फ्रेंड खो दिया। मेरे मैक्सिमम सीन्स उनके साथ ही होते थे एंड आई डोंट हैव वर्ड्स, मतलब मैं बोल भी नहीं पाऊँगी। ऐसा लग रहा है ये एक सीन चल रहा था जिसे हमारे डायरेक्टर बोलते कट और ये बीच में रुक जाए। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट पर्सन, वेरी प्योर सोल एंड ही विल बी मिस फॉरएवर। मैं जब पता लगा मैसेज है उसमें लिखा था दीपेश मलखान है इसमें पास अवे, तो मुझे लगा टीका मलखान का कोई मीम है जो अभी पूरा आने वाला बाकी है, तो मैंने वेट करता था उसका, कुछ नहीं आया, तो पूरा पढ़ा मैंने तो आई टू बी शॉक। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन किया हमारे क्रिएटिव हैं विजय भाई, मैंने फ़ोन किया कहाँ ऐसा सच है, तो आधे घंटे तक मतलब मुझे विश्वास नहीं, मेरे हाथ पैर नम हो गए, हम चाय पीने वाले थे, हम सब छोड़ दिया, मैं भी अपने घर पर जाता हूँ साथ। फिर उसके बाद हम आए सर यहाँ पर, तो 11 बजे पहुँच गए थे वहाँ से, फिर अपना की सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। बट लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है कि इतना फिट, एकदम जिम करने वाला, योगा करने वाला, क्रिकेट खेलते हुए जो उनके साथ हुआ है, तो विश्वास नहीं हो रहा कि पता नहीं यार कब किसके साथ क्या हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि उनका बच्चा अभी सिर्फ बस 18 महीने का और शादी को भी 3 साल ही हुई है, तो बहुत शॉकिंग है। देखो हम लोग का क्या, हम लोग तो 10 दिन, 4 दिन, 15 दिन, महीने में हम लोग तो भूल जाएंगे, बैक टू वर्क हो जाएंगे, सब अपने अपने जॉब पे वापस चले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात उनकी वाइफ उनके बच्चे के लिए, जो उनको पूरी ज़िंदगी में सफ़र करना है, कैसे क्या है, क्या चीज़ें हैं या नहीं है, तो मुझे बहुत दुख लग रहा है और भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। मैं भी शायद हो सकता है वो किसी तरह के स्ट्रेस में जी रहा हूँ, या कौन सा स्ट्रेस था ये पता नहीं। कोविड के बाद से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, बहुत सारे लोग एक अदृश्य स्ट्रेस में जी रहे हैं, हो सकता है कि वो भी किसी स्ट्रेस में हो जो वो दोस्तों से शेयर नहीं कर पाए। एक्चुअली वो बिल्कुल एकदम शॉक है, वो एकदम मतलब उनके आंसू सूख चुके हैं, वो बात करने लायक ही नहीं, वो बिल्कुल एकदम ऐसे बैठे एकदम फ्रिज की तरह, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, क्या बोलेंगे, इतना बड़ा हो गया हमसे, बच्चे को देख देखकर, बच्चा रो रहा है, उसको देख देख के हमें आंसू आ रहे हैं, तो छोटा सा बच्चा जिसको कुछ पता भी नहीं है, और उनकी जो सास है बेचारी वो रो ही जा रही है, तो उनको बस संभाल ही रहे हैं। उन्होंने बोला उनको कि आप घर में बड़ी हैं, आपको स्ट्रांग बनना है, आप उन्हें संभालेंगी तो आपको संभालना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी बेटी है और वो बच्चा है, तो आपको संभालना है। तो वो ये बेचारे सब अपने अपने घर चले गए हैं, मुझे तो बड़ा दुख इस बात का कि वो अपने घर जाएंगे वापस, से घर बिल्कुल खाली, तो कैसे मतलब कैसे 2 BHK 3 BHK जो भी उनका घर है कैसे सर्वाइव करेंगे घर में, हम तो सब चले जाएंगे अपने अपने घर, तो बिल्कुल खाली एकदम से सन्नाटा, सुबह 10 बजे से जो भी टाइम हो रहा है सब मतलब से चले गए हैं वो। बहुत शौक, टेंशन की बात कभी नहीं करता था, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों में वो परेशान ज़रूर होता था। जैसे कभी जैसे मेरे यार कुछ हो नहीं रहा है, कुछ और करना है, कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो ये जो एम्बिशियस सोच होती है ना बहुत ज़्यादा, वो उसको बड़ा परेशान करती है। जबकि इसमें परेशानी वाली बात नहीं, हमको सबको कुछ ना कुछ बड़ा ही करना है, हम बड़ा ही करने आए हैं, लेकिन उसके लिए स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा वो लेने की ज़रूरत नहीं, इस तरह की प्रवृत्ति उसकी थी। लेकिन वो बड़ा हंसमुख स्वभाव का था, जैसे कल रात ही हमने इंस्टा पे एक वो अपलोड की है, एक वो वीडियो,
जिसमें वो उसी ने डायरेक्ट की।